उत्तर पूर्व दिल्ली के विजयनगर डबल स्टोरी में रहने वाले गुरबचन सिंह की हाल ही में हृदय की शल्य चिकित्सा हुई है। डॉक्टर के परामर्श के बाद उन्होंने अपनी सारी गतिविधियां घर के आसपास तक ही सीमित कर ली है, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल के संपर्क में अवश्य रहते हैं और आवश्यकता अनुसार अस्पताल भी जाते हैं। गुरबचन सिंह आज स्वस्थ हैं तो इसका श्रेय दिल्ली सरकार की उस स्कीम को जाता है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगी को निशुल्क उपचार देने का प्रावधान किया गया है। मेरा अभी हाल में ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का स्टैंड डला है। जब भी डॉक्टर मुझे बुलाता है मैं ठीक ठाक हूँ, डॉक्टर बुलाते हैं तब चेकिंग के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे अब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गुरबचन सिंह के बीमार होने से लेकर उपचार मिलने तक का जो समय था वो काफी मुश्किल भरा था। गुरबचन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया के बीच परिवार को दिल्ली की उस स्कीम के बारे में पता चला जिसके तहत चिन्हित निजी अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगी के निशुल्क उपचार का प्रावधान है। परिवार ने इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज अस्पताल को मुहैया कराए और अस्पताल ने बिना देरी किए गुरबचन सिंह को उचित उपचार देना शुरू कर दिया। जो भी प्रोसीजर था वो डॉक्टर्स ने खुद किया है, हमें खुद नहीं मालूम कि उन्होंने किस तरह से आगे कंसल्ट करके किया है, बट उन्होंने एडमिट कर लिया था इनको और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने इनकी एंजियोग्राफी भी कर दी और एंजियोग्राफी करके उन्होंने ये हमें बता दिया था कि इनको प्रॉब्लम है स्टन के डलेंगे क्योंकि ब्लॉकेज आ रही है बहुत ज़्यादा। गुरबचन सिंह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सीमित आय और संसाधन के साथ जीवन व्यतीत कर रहे किसी बीमार व्यक्ति या उसके परिवार के लिए महंगा उपचार कराना कितना मुश्किल है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहुंच संभव हो सके इसके लिए दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह रोगी अपना उपचार करा सकता है और इसके लिए किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, इसको लेकर जनता का जागरूक होना जरूरी है। रोगी भारत का निवासी होना चाहिए। रोगी की पारिवारिक मासिक आय अकुशल श्रमिक के लिए श्रम विभाग दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम हो। रोगी के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। रोगी स्वघोषणा के द्वारा भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकता है। अगर रोगी आपात स्थिति में अस्पताल आता है तो उसे उपरोक्त दस्तावेज उसी वक्त दिखाना अनिवार्य नहीं है, वो उपरोक्त दस्तावेज 48 घंटे में प्रस्तुत कर सकता है। बहुत जल्दी हुआ है जो काम भी हुआ है, मुझे नहीं लगता जो भी हम लोग आज तक सोचते थे कि गवर्नमेंट के काम बहुत ढीले होते हैं, बस उस हिसाब से इनका बहुत जल्दी जल्दी में काम हुआ है। जितनी मेरे ख्याल से ऐसे पेशेंट को जितनी क्विकली इस प्रोसीजर की ज़रूरत है ना, उससे भी ज़्यादा ही क्विकली काम हुआ है, क्योंकि मेन बात थी कि हमें कहीं नहीं जाना पड़ा। इस तरह की हेल्प हमें मिली है ना तो इतना ज़्यादा हम सेटिस्फाई हो गए, खुश तो देखो थे ही थे क्योंकि पापा ठीक हो गए बिल्कुल, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा थी कि वो बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। और इस तरह की गवर्नमेंट से हेल्प मिलना, तो गवर्नमेंट से इतनी हेल्प मिल गई कि फुली डिस्काउंटेड वाला हिसाब था, नहीं तो कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा ना। बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हुआ ट्रीटमेंट और मेन बात थी कि कुछ भी नहीं देना पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला था। तो बट बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी कि पापा ठीक हो गए, घर आ गए। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्कीम है जो उन्होंने ये स्कीम निकाली हुई है, क्योंकि उसका जीता जागता सबूत हमारे पास है, हम सीधा साहब। भगवान की कृपा से गुरबचन सिंह आज स्वस्थ हैं और सकुशल हैं। नया जीवन पाकर गुरबचन सिंह खुश हैं और उनका परिवार भी बेहद खुश है कि गुरबचन सिंह आज उनके साथ हैं और इसको संभव बनाया है उस स्कीम ने जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगी के उपचार को सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए गुरबचन सिंह और उनका परिवार दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आभार करते नहीं थकता है। मैं दिल्ली सरकार केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरा इलाज फ्री करवाया बीएल कपूर हॉस्पिटल में, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम जब भी हॉस्पिटल जाते हैं मेरी दवाई जो डॉक्टर साहब लिखते हैं वहीं से फ्री मिलती हैं, हमारा कोई पैसा नहीं लगता। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं, हम नहीं इतनी कर सकते थे, भागदौड़ भगवान अरदास ही करते थे भैया ठीक ठाक हो जाएं,
गवर्नमेंट का भी हो जिन्ना उन्होंने इलाज करा पूरा ठीक ठाक करके घर भेज दिया उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। इतने महंगे हॉस्पिटल में हमारे इनका इलाज होया ऑपरेशन होया केजरीवाल का बहुत बहुत शुक्र है जो उन्होंने हमारे दिल्ली सरकार ने भी करा बहुत बहुत शुक्राना उनका जो हमारे भाई ने मदद की है उन्होंने ठीक ठाक होकर घर आ गया बच्चों के साथ खुश है। गुरबचन सिंह अभी दवाइयों पर निर्भर हैं नियमित जांच के लिए अस्पताल भी जाते हैं इसके लिए भी गुरबचन सिंह या फिर उनके परिवार को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। चिन्हित निजी अस्पताल की ओपीडी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के लिए 25% आरक्षण रहता है जो निःशुल्क होता है। इसी तरह आईपीडी में 10% आरक्षण का प्रावधान है और ये भी निःशुल्क है। इस कल्याणकारी स्कीम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई है।